बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे हम सीआरओ भी बोलते हैं। सीआरओ क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज ए वेरी विच वेरी विद टाइम। जैसा मिसाल के तौर पे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को देख सकते हैं कि वो वेरी करता है टाइम के साथ, तो हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने साउंड सिग्नल्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे होंगे? मिसाल के तौर पे मैं माइक के आगे बोलता हूँ कुछ, तो मेरा या कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो टाइम के साथ वेरी करता हो, सीआरओ जो है उसे डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। विजुअल फॉर्म, सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले बनता है, इट इज एक्चुअली फॉर्म बाय ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम इसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम को हम कैथोड रे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैथोड रे जो है ये पास करती है चंद पैरेलल प्लेट्स में से, वो पैरेलल प्लेट्स जो है इस इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर वेव फॉर्म्स डिस्प्ले होती हैं। स्क्रीन जो है वो एक्चुअली फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है, जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं तो लाइट अपेयर होती है विजिबल रेंज के अंदर, जिसकी वजह से वो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो विजुअल इलेक्ट्रॉन सोर्स होना चाहिए। उसके लिए हम फिलामेंट को यूज करते हुए कैथोड को हीट करते हैं और इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अगर कैथोड को किसी दूसरे फिलामेंट से हीट किया जाए और कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट हो, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। और अगर फिलामेंट डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स एमिट करे, मींस फिलामेंट से ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हो, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्टली हीटेड कैथोड। यहां पे क्या यूज हुआ हुआ है? इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। और इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकलते हैं, क्योंकि कैथोड पे भी नेगेटिव पोटेंशियल होता है और कैथोड को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया होता है, और फिलामेंट इसे हीट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के थोड़ से बाहर आ जाते हैं। कैथोड के बाद एक लगा होता है ग्रिड। ग्रिड में एक छोटा सा होल होता है। ग्रिड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन द ग्रिड जो है वो डिसाइड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप कर पाएंगे ग्रिड के होल में से। अगर नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कम एस्केप कर पाएंगे, अगर नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द ग्रिड की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एस्केप कर पाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए ग्रिड के बाद एनोड्स लगे होते हैं इंक्रीजिंग पोटेंशियल के ऑर्डर में। मींस A1 के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू A2 एंड A3। मींस A3 का पॉजिटिव पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, A2 उससे कम और A1 सबसे कम। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो यूज किया जाता है टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बीम। इसलिए हम इस पोर्शन को इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इसके बाद दो वर्टिकल प्लेट्स प्लेस होती हैं, जिन्हें हम हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स या एक्स प्लेट्स भी कहते हैं। ये हॉरिजेंटल प्लेट्स जो है इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजेंटली मूव करवाती हैं ऑन द स्क्रीन, जिसकी वजह से इन्हें हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी कहा जाता है। इसके बाद दो प्लेट्स लगी होती हैं विच आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली, लेकिन इनका पर्पस क्या होता है? स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकली मूव करवाना, इसलिए हम इन्हें वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहते हैं, बट दीज आर एक्चुअली प्लेस्ड हॉरिजेंटली। इसके बाद हमारे पास स्क्रीन है जो कि एक्चुअली फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है। जब इलेक्ट्रॉन बीम इस स्क्रीन के ऊपर आके स्ट्राइक करती है तो यहां से विजिबल रेंज के अंदर रेडिएशंस एमिट होती हैं। नॉर्मली सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर जो कोटिंग की होती है फ्लोरिसेंट मटेरियल की, उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करता है तो ग्रीन कलर की लाइट एमिट होती है। आइए इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं इलेक्ट्रॉन गन के अंदर बाय द इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड्स, जिनका काम है इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करना और उन्हें फोकस करना। और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरती है और स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करती है, और जहां पे ये जाके स्ट्राइक करती है वहां पे एक ग्रीन कलर का स्पॉट अपेयर होता है।
ये स्पॉट स्टेशनरी होते हैं उस वक्त जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं होता, और ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट जो है वो कंट्रोल की जाती है बाय द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द ग्रिड। अब याद हो तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एस्केप कर पाएंगे ग्रिड से, दैट वन इज डिसाइडेड बाय द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड। अगर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कम एस्केप कर पाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से जो यहां स्पॉट अपेयर होगा वो लाइट होगा। और अगर ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एस्केप कर पाएंगे, तो तब जो ग्रीन कलर का स्पॉट अपेयर होगा वो ब्राइटर होगा। मींस शार्पनेस ऑफ द स्पॉट जो है वो कंट्रोल की जाती है बाय द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड। अब ये स्पॉट मूव कैसे करता है, सबसे पहले स्पॉट की हॉरिजेंटल मोशन को देखते हैं, जो कि डिसाइड करता है विच इज कंट्रोल्ड बाय द हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स विच आर प्लेस्ड वर्टिकली। इन हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को एक सर्किट से पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, जिस सर्किट को हम कहते हैं स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। ये स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर सीआरओ के अंदर ही लगा होता है, और ये जो आउटपुट देता है वो सार्टूथ वोल्टेज वेवफॉर्म होती है, मींस आरी के दानों जैसी। मिसाल के तौर पे अगर हम डिस्प्ले करना चाहें तो ये वेवफॉर्म कुछ इस तरह की होती है। जब ये वोल्टेज जो है सार्टूथ वोल्टेज हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो स्क्रीन के ऊपर स्पॉट जो है वो हॉरिजेंटली मूव करता है। आइए देखते हैं कि वो स्पॉट कैसे मूव करता है हॉरिजेंटली। मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये हमारे पास सीआरओ की स्क्रीन है, जब पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि स्क्रीन के ऊपर स्पॉट जो है वो है ऑन द लेफ्ट साइड, और जैसे जैसे पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है और अपनी पीक वैल्यू तक जाता है, स्पॉट जो है वो लेफ्ट साइड से मूव करता हुआ किधर आ जाता है, राइट साइड पर आ जाता है, और फिर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, स्पॉट फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, और जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करता है स्पॉट फिर हॉरिजेंटली मूव करता हुआ राइट साइड पर आ जाता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और जब ये सार्टूथ वोल्टेज कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जाती है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को, विच इज जनरेटेड बाय द स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर, तो स्पॉट हॉरिजेंटली मूव करता रहता है स्क्रीन के ऊपर। अगर टाइम पीरियड ऑफ दिस सार्टूथ वोल्टेज स्मॉल हो तो स्क्रीन के ऊपर स्पॉट की मोशन जो है वो बहुत फास्ट होती है, तो हमें स्पॉट मूव करता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि स्क्रीन के ऊपर एक लाइन अपेयर होती नजर आती है। लेकिन अगर सार्टूथ वोल्टेज का ये टाइम पीरियड जो है वो लार्ज हो, मिसाल के तौर पे वेवफॉर्म कुछ इस तरह की हो जो लॉन्गर टाइम में कंप्लीट होती हो, तो स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट मूव करेगा हॉरिजेंटली वो लेफ्ट फेस पर होगा जब पोटेंशियल ये होगा, और राइट साइड पर होगा जब पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी। जब यहां से यहां तक आने में टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पॉट को स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड से राइट साइड तक आने में भी टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसलिए टाइम पीरियड ऑफ द सार्टूथ वोल्टेज जो है वो डिसाइड करता है मोशन ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन। अब जब हम वाई प्लेट्स को भी पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, वाई प्लेट्स को पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली हमारा इनपुट सिग्नल होता है जिसे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वोल्टेज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं तो उसका पोटेंशियल जो है मैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को प्रोवाइड करूंगा, और उसकी वेरिएशन जो है हमें पता है, क्योंकि साइनोसॉइडल वोल्टेज जिसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं वो वेरी करता है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ जब उसके पोटेंशियल की वैल्यू वेरी करेगी तो वो स्क्रीन के ऊपर स्पॉट को वर्टिकली मूव करेगा, जैसा कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है कि एक्स और वाई जब दोनों को पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक साइन वेव अपीयर होती है। अब यहां पे हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स हैं, एक जो हमने हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को प्रोवाइड किया, दूसरा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को। अगर दोनों सिग्नल्स के टाइम पीरियड मैच कर जाएं या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर हो तो स्क्रीन के ऊपर जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म अपीयर होगी वो स्टेशनरी होगी, स्टिल नजर आएगी। लेकिन अगर दोनों के टाइम पीरियड मैच ना करें, मींस एक्स प्लेट को जो सार्टूथ वोल्टेज प्रोवाइड किया हमने वो, और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को जो सिग्नल हमने एज इनपुट दिया जिसे हमने डिस्प्ले करवाना था, दोनों के टाइम पीरियड
ना इक्वल हो और ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर हो, तो स्क्रीन के ऊपर बनेगी तो साइन वेव ही, लेकिन वो स्टिल नहीं होगी बल्कि इस तरह की मूविंग होगी, जिसे हम स्टिल कर सकते हैं बाय यूजिंग दी नोब्स विच आर ऑन दी फ्रंट पैनल ऑफ दी सीआरओ, जैसा कि फर्स्ट इमेज में दिखाया गया था। हम वहां पे सार्टूथ वोल्टेज का टाइम पीरियड जो है उसे चेंज कर सकते हैं, और उसे चेंज करके जब वाई प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल हमारा इनपुट था उसके साथ मैच कर लेंगे तो स्क्रीन के ऊपर वेव फॉर्म ट्रेवल करने की बजाय स्टेशनरी फॉर्म में हमें नजर आएगी। आइए अब डिस्कस करते हैं यूजेस। इट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द वेव फॉर्म ऑफ ए गिवन वोल्टेज, जैसा कि हमने साइनोसॉइडल वोल्टेज को क्या किया, डिस्प्ले करवाया। इसके अलावा हम कोई भी अपना सिग्नल जो है उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि मैंने साउंड वेव्स की एग्जांपल भी दी थी। इट इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द वेव फॉर्म। जब कोई सिग्नल विजुअल फॉर्म में हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा तो हम उसके उसकी पीक वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की जा सकती है कि कितने साइकल्स पर सेकंड जो है वो पास कर रहा है, और किसी भी इंस्टेंट पे फेज की वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। फिर हम टाइम पीरियड, जब फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं वेव का। इसके साथ साथ फेज डिफरेंट बिटवीन टू वोल्टेजेस भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या टू सिग्नल्स कोई भी हो उनके दरमियान फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक साइनोसॉइडल वोल्टेज को इस तरह से डिस्प्ले करवाता हूं और दूसरा सिग्नल जो है वो इस तरह से डिस्प्ले होता है, तो हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर देख सकते हैं कि कौन सी वेव किस फेज पर है, तो फिर दोनों का फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये जो है फेज 90 पर है और इस वेव का फेज जो है वो 270 है, तो दोनों का फेज डिफरेंस जो आएगा 270 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 180। दिस मींस ये दोनों सिग्नल्स जो है 180 के फेज डिफरेंस से हैं। थैंक यू।